या एक्सक्यूज मी, अदर भाई यहाँ पर, यहाँ पर माने मैं आपका भी फोटोग्राफर है यहाँ पर। अरे ये इधर आ, हाँ हाँ आ जाओ जा। भाई तो इधर क्लोज आइए, बहुत बड़ा ग्रुप हो रहा है। ठीक है, अच्छा सर सामने लेफ्ट साइड, ये लोग ये सेंटर प्लीज, थैंक यू। थोड़ा बाहर होना पड़ेगा। अरे रुको ना सर, जरा एक सेकेंड सर, यार आइए सर, मतलब सर चलो अम्मी। हाँ या सर, एक्सक्यूज मी मैम, ओके डन, ये तो बहुत फीचर है। मैम ये क्लोज ही, थोड़ा क्लोज आइए ना। हाँ या सर, इकडे समोर लेफ्ट साइड, किती सोलो सोलो पिक्चर। गणेश शेट्टी, गणेश शेट्टी आहे ना पहिला, आत्ता जो आहे ना आत्ताचा, आत्ताचा सुवर्ण म्हणून बघ ज्वेलरीचा सर, सुवर्ण म्हणून कोपऱ्यालाच आहे बघ तो, सुवर्ण 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 मॅम लुकिया, मैम लुकिए सेंटर प्लीज। हाँ जरा दो मिनट, ओके डन सर, गॉट इट, थैंक यू। हॉस्पिटल गणेश अन्नाच्या लेफ्ट साइड, एअरफोन नाही काढू शकत, शूट करतो, थांब दोन मिनट सर। आम्ही सेजल ने बहुत ही अच्छा काम किया, आपको दिख दिया गेम पैसा लड़की GPL, यानी स्टर्स को थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए टाइटल रखा है। और गेम पैसा लड़की मतलब आप समझ सकते हैं कि गेम करने से पैसा मिलता है और पैसे से लड़की, और लड़की अगर गेम करे तो गेम पैसा लड़की। ये टीम है और नवीन भाई को लोग कहते थे स्टैंड अप कॉमेडियन, मुझे हमेशा उनके अंदर एक एक्टर नजर आता था। जब जब मिले हम लोग, इतने पुराने दोस्त हैं, विशु भाई बैठे हैं, उन्होंने ही मुझे मिलाया था नवीन भाई से। yes, yes. और मेरे मित्र हैं भाभी जी घर पे आजकल छाए हुए हैं, प्रेम चौधरी। तो हमने हमेशा कहा था कि कुछ अलग करेंगे, तो नवीन भाई ने बहुत कमाल का काम किया है इसके अंदर। रंजीत साहब द ग्रेट रंजीत साहब के बेटे बने हैं, और जाकिर भाई के बारे में तो मतलब बोलना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है। म्यूजिक बहुत ही कमाल का है, देव ने म्यूजिक किया। कहाँ बैठा है देव? इधर इधर, हाँ देव
देव ने किया है। नेहा कक्कड़ का एक बहुत ही कमाल का गाना है अय्याशियाँ, तो अय्याशी भी मिलेंगी देखने को आपको इसके अंदर। सोनू कक्कड़ ने एक गाना गाया जो रेट्रो फील देगा, और सेजल ने उसमें इतना कमाल का डांस किया है, बिल्कुल तैरता हुआ सा गाना है, मतलब हेलल जी की भी याद आ जाएगी। बहुत सारे कलर हैं सेजल के, सीधी सच्ची और शातिर, हर तरीके से उसने हर कुछ किया है जो हमने करवाया है फिल्म में उससे, तो बहुत मजा आने वाला है। हर तरीके का फ्लेवर है गानों का। और अमित गुप्ता साबरकोटी जी, और साबरकोटी साहब का डेब्यू भी है ये फिल्म, और बॉलीवुड में मेरे मित्र थे, मैं जब भी पंजाब जाता था तो वो मुझे मेरे साथ होते थे, और बॉम्बे दो ही बार आए हैं वो, एक गाना और अभी आने वाला हमारी एक और फिल्म है उसमें भी उन्होंने गाया था, और ये टाइटल सॉन्ग उन्होंने गाया है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके उनके लिए भी ये एक हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है कि इतने बड़े फनकार जिनको पंजाब में भगवान का दर्जा दिया हुआ था म्यूजिक फील्ड में, और उन्होंने हमारे लिए इस फिल्म में टाइटल सॉन्ग गाया। कुणाल गांजावाला साहब, बहुत दिनों बाद एक अच्छा गाना, मखमली बदन, मतलब भीगे होठ और मखमली बदन, मतलब बहुत ही अलग बात है लेकिन एक ही तरह से कही है, देखिएगा गाने, और गाने बहुत अच्छे शूट भी हुए हैं। और मुझे लगता है कि अब थोड़ा डिजिटल टाइम आ गया है, तो फिल्म तो हम कर रहे हैं रिलीज 450 सिनेमा में, और जो हमसे हो पा रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे है कि डिजिटल ने आज घर घर पहुंचा दिया, तो मोबाइल पे फिल्म आ जाएगी, तो लोग देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे हमारे सबके काम को। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। डिस्ट्रीब्यूटर से पहले मैं प्रोड्यूसर ही था, गुजराती फिल्म बनाई थी, बाद में डिस्ट्रीब्यूटर बना, वापस साजन भाई ने ये सब्जेक्ट लेके आए, हम दोनों पुराने मित्र थे, तो मुझे अच्छा लगा था, बोला आप हिंदी गुजराती बनाई थी, हिंदी से स्टार्ट करो, तो और थ्रिलर मुझे भी पसंद था, तो सब्जेक्ट पसंद आया था, हमने स्टार्ट कर दिया। अतुल भाई जो है नॉर्थ का हूँ, तो मैं नॉर्थ का कलर लेके आया मेरे रोल के बारे में तो आई थिंक सब लोगों ने ट्रेलर देख के पता चल ही गया होगा कैसा है, एंड इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्क विद एवरीबॉडी, लाइक जाकिर जी, नवीन जी एंड रंजीत जी, साजन जी एंड अतुल जी, एंड आई वांट टू थैंक यू माय कास्टिंग डायरेक्टर मिथिलेश, इफ यू आर हियर देन प्लीज कम हियर, क्योंकि इनकी वजह से मुझे फिल्म मिली है। सो अरे सचिन सर भी आ गए, तो अब आप आ ही गए, तो स्टोरी के बारे में आप ही बता दीजिए। हमारे फिल्म के डायरेक्टर सचिन अग्रवाल। हेलो, पहले सबको थैंक यू करना चाहूँगा, सब लोगों को यहाँ उपस्थित होने के लिए। फिल्म का टाइटल जैसे अपने आप में वन लाइन है, गेम पैसा लड़की, पैसे के लिए किया गया लड़की के साथ मिलकर गेम बनता है, गेम पैसा लड़की, तीन लोगों की कहानी है। हीरोइन हमारे यहाँ मौजूद हैं, जाकिर भाई शायद अपने बिजी शेड्यूल की वजह से शायद अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, और नवीन भाई कहाँ हैं, नवीन जी इधर हैं, और हमारे हीरो साहब राज वो अभी पहुँचने वाले हैं। तो इन तीनों की कहानी है, रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, और बस इतना ही बताना चाहूँगा, बाकी आप फिल्म देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू। नवीन सर, देखिए गूगल पे अगर आप ढूंढेंगे द बेस्ट कॉर्पोरेट कॉमेडियन, तो वो नाम नहीं भी डालेंगे तो मेरे फोटो दिखेंगे, लेकिन ये बॉक्स से अवे जाके एक एक्टर के दर्जे को देखना, और उसके लिए वो बहुत करेज वाला मामला होता है। साजन अग्रवाल जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस बॉक्स से आगे जाके उन्होंने मुझे एक्टर का दर्जा दिया, और बोले नवीन भाई आपको ये रोल करना है, नवीन भाई आप तो कमाल कर दोगे उसमें। तो मैंने कहा सर ये आपकी सोच को सलाम है, एंड थैंक यू प्रेम भाई, प्रेम चौधरी भाभी जी घर पे हैं, आपने आपके मेरे तालुका दोस्ती यारी तो एक ठीक है, लेकिन ये सौगात जो आपने मुझे दी है दोस्ती की, ये बहुत कमाल है। थैंक यू। थैंक यू जी। और देखिए इससे एक और फ़ायदा मेरा हुआ है, साथी तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो टीम वर्क है ना, ये टीम वर्क कितने शिद्दत से किया जाता है ये साजन भाई ने हमें बताया, और ये मिल्कियत है हमारी, ये टीम है हमारी मिल्कियत है। एंड दीपांश गर्ग हमारे फिल्म का हीरो, और दीपांश ने तो कमाल कर दिया, जितना भी कमाल ये इन्होंने किया है दोनों ने मिलके, ये फिल्म के असली जखीरा ही है। जी साजन भाई, दीपांश अपने रोल के बारे में बताओ। हेलो एवरीवन, इस फिल्म में जो मेरा रोल है वो काफ़ी ही अलग है, फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबसे अलग मेरा एक जो फिल्म के अंदर मेन थ्रिल है, जो मेन सस्पेंस है,
वो मेरे रोल में ही है। लोग समझ नहीं पाएंगे कि मेरा रोल है क्या, मैं नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव हूँ, और उसके बाद फिल्म में मेरी एंट्री कैसे हो रही है और मैं कर क्या रहा हूँ। एक्चुअली जो फिल्म में गेम है वो मेरे बताने से अच्छा आप लोग जब फिल्म देखेंगे ना तब आप चौंक जाएंगे अपने आप। मैं देव को चाहूंगा वो आए यहाँ, और अमित और प्रदीप आ चुके हैं कैमरामैन हमारे, और इरफान भाई, बाकी। और अभी आपने जो ट्रेलर देखा उसमें एक कलाब था बहुत प्यारा था, लेकिन वो गाना क्या था वो अमित अभी खुद आपको सुनाएंगे। अमित की भी ये प्रॉपर डेब्यू। पहली नजर का पहला प्यार, ढूंढे दिल हो के बेकरार। पहली नजर का पहला प्यार, ढूंढे दिल हो के बेकरार। नादान दिल ओ नादान दिल, नादान दिल हो नादान दिल। हमारे एक मित्र जो म्यूजिक इंडस्ट्री में आज बड़ा नाम है आप सब लोग जानते हैं, और सिर्फ थैंक यू भैया भाई, मैं कहूँगा दो सब वो भी कहें, उन्हें वैसे पता नहीं है फिल्म के बारे में, मैंने अचानक उनको बुला लिया है। देखिए सलीम भाई का एक बड़ा अच्छा कनेक्शन है हमारे से, कि हम लोग जो बिलोंग करते हैं वो ऑलमोस्ट सेम प्लेस को बिलोंग करते हैं, और जो मेरा मेरे पिया गए रंगून जो 2003 में गाना आया था तभी से ये एसोसिएट है हमारे साथ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मेहनती हैं इनका काम, अभी हमारा एक दो काम हम लोग कर रहे हैं तो वो जल्दी आएगा। बाय द वे इस फिल्म के लिए इनको कॉन्ग्रेट्स करूँगा, क्योंकि मैं लास्ट ईयर उसका वो देखा था प्रोमो, तो आई लाइक इट, वेरी स्टाइलिश, वेरी गुड, और अमित अच्छा गा रहा था जब मैं एंटर किया तो, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई, अब जरा मुंडी नीचे वीडियो वालों के लिए एक मिनट रुको भाई, मिलान देखो सर, एकदम सामने देखो, वापिस देखो, ये बोलो भाई सर, कोई नहीं डाउन होते देख रहा, कोई कैमरा डाउन बस बस बड़ा हो गया। अरे नहीं नहीं
हो गया भाई, इतने कर लो बस। ये छपे ना सामने वो तो आ भाई, शिराज भाई, शिराज भाई, अरे छपे, अरे अरे हो गया। थैंक यू, थैंक यू। मैं जिस फील्ड में हूँ वो स्टैंड अप कॉमेडी है, कॉमेडी है, कॉर्पोरेट शो से करते रहते, लेकिन ये हमेशा मेरे एक्टिंग प्रोफेशन को चैलेंजिंग मुझे साजन अग्रवाल ने प्रपोजल लाया था, और जैसे मैंने सोचा कि ये नेगेटिव है और मेन स्ट्रीम से हटके, तो मैंने तुरंत हाँ बोला। और इस सैंडी कैरेक्टर मेरा और मेरी अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी ये है कि इस फिल्म में रंजीत साहब हमारे बॉलीवुड के रीनोन विलन, जिन्होंने 300-350 फिल्मों से ज़्यादा फिल्में की हैं उन्होंने हिंदी में, तो बचपन से हम इनकी फिल्में देखकर बड़े हुए हैं, और उनके बेटे का रोल मुझे मिला है, तो मैं बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। और आपने देखा ही है कि उनके सामने खड़े रहना, टिकना और स्क्रीन पे अप्रिसिएशन लेना, ये अपने आप में एक ईमानदारी से किया हुआ काम है। ये अप्रिसिएशन अभी लोगों से मिलता है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, वेरी फॉर्चुनेट। रंजीत साहब के साथ चैलेंजिंग, तो देखिए उनके सामने मैंने अभी कहा कि इनके सामने खड़े रहना ही अपने आप में चैलेंज है, और परफॉर्म करना। ये लोग हैं, ये रंजीत साहब या जाकिर साहब, इनको कैमरा प्यार करता है, कैमरा इनकी मोहब्बत में, तो हमें एफर्ट लेने पड़े, और इतना इजी नहीं रहा ऑफकोर्स, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया नया क्रिएट करते हुए। एंड थैंक यू अगेन हमारे साजन अग्रवाल जी, इन्होंने मुझ पर ये बिलीव रखा कि रवि जी आप कर पाओगे। अगेन थैंक यू, थैंक यू भैया, अच्छा आपने किया। सभी के लिए एक स्पेसिफिक सवाल जी, टाइटल है गेम पैसा लड़किया, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड व्हेन यू सो द टाइटल गेम। बेसिकली जब हम लोगों ने ये टाइटल सोचा, सबसे पहले सोचा था GPL, GPL की फुल फॉर्म है गेम पैसा लड़किया, और GPL का मतलब मुझे लगता है यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, आम तौर पे एक नॉर्मल लाइफ में जो फंडू लैंग्वेज बोलते हैं उसमें कई सारे मीनिंग्स हो जाते हैं, बट हमारे GPL का मतलब है गेम पैसा लड़की, और लड़की गेम करती है पैसों के लिए, ये गेम पैसा लड़की। ऑफ कोर्स इस दुनिया में जितने भी गेम होते हैं वो सब लड़की की वजह से ही हो रहे हैं, और ऐसा चलते आ रहा है कई सालों से, और शायद आगे भी बॉलीवुड में बॉलीवुड देखिए आर्टिस्ट कंफर्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ गया, प्लानिंग और प्लानिंग तो साजन अग्रवाल करते ही आपको पता है, तो प्रॉब्लम आने की कोई बात ही नहीं थी, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ओके, आप लोगों से जानना चाहूंगा, बहुत चीज है अगर आप देखें, मटर की याद दिलाते हैं क्या कम्फर्ट जोन था, क्या डायरेक्टर का ब्रीफ था क्या, और कितने लोग जब आप वो पर्टिकुलर सीन शूट करते हैं अमूमन ग्रुप बाहर रहता है या डायरेक्टर और बाकी रहते हैं, बड़ी मिली आप क्या रहा कैसे? बेसिकली जब ऐसे सीन्स शूट करते हैं तो इसमें एक तो आलतू फालतू लोग नहीं होते हैं, और आपके को एक्टर के कोऑपरेशन के साथ और आपकी जो टीम होती है पूरी टीम वर्क होता है, ये स्क्रीन पे जो दो लोग दिखाई दे रहे हैं खाली वही नहीं होते, इसके साथ और भी पूरी टीम होती है, बैक साइड दी कैमरा, उन सबका सपोर्ट होता है। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ सेजल शर्मा इतनी अच्छी कोऑपरेटिव और अच्छी एक्ट्रेस है, इन्होंने इतना सपोर्ट किया है, तो हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम कुछ अलग कर रहे हैं या कुछ है, कंफर्ट जोन हमारे पूरे साथ था। एक्चुअली आई वॉज़ वेरी अनकम्फर्टेबल बिफोर द शूट, बट साजन जी ने कुछ ऐसा किया कि हम लोग, हमें फील नहीं हुआ कि हम शूट करें, बिकॉज देर वॉज ओनली DOP दादा एंड क्रियोग्राफर एंड आर्टिस्ट एंड साजन जी वॉज देयर, तो हमें वैसे भी मैं ऐसी एक्टर हूँ जब तक कैमरा ऑन नहीं होता है तब तक मुझे ऐसा लगता है कि कैसे करूँगी, बिकॉज बहुत डिफरेंट था, बहुत चैलेंजिंग था, बहुत ही बोल्ड है, और मैं रियल लाइफ में टोटली ऑपोजिट हूँ, तो इट वॉज़ लाइक वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मी, बट जैसे कैमरा चालू होता था हम सब भूल जाते थे कि भाई शूटिंग भी हो रही है, तो ईजी हो गया बिकॉज ऑफ सब ने हेल्प की और कॉपरेट किए इन्होंने भी, तो कम्फर्ट जोन हो गया था।
ये कहानी की डिमांड है एक्चुअली, ये ऐसा नहीं कि हमने ज़बरदस्ती इसको डाला गया है, बिकॉज गेम पैसा लड़की अगर गेम कर रही है तो कुछ तो ग्लैमर दिखाना ही पड़ेगा हमें, अदरवाइज फिर वो गेम भी कैसे करेगी। अब अलग जर्नी की शुरुआत है, अम्मन जो आपके साथ जिन्होंने शुरुआत की थी करियर की, आज वो एक पर्टिकुलर जगह पे आके रुक गए कि भाई ये हमें करना है। नाउ यू आर एक्सप्लोरिंग, वो कैसे एक्सपीरियंस रहा और क्या साथ देखने को मिलेगा जब मैं नवीन की बात करता हूँ एज एन एक्टर? देखिए, आपके सवाल में आपका जवाब है, एज एन एक्टर जब मुझे चुना गया है और जब मेरा सीन आया और जितनी पब्लिक अभी देख रही थी ट्रेलर और मेरा सीन, तो जो तालियां बजी, जो चिल्लाए लोग और सीटियां बजी, तो ये जवाब उसी में छुपा है कि लोगों ने उसे पसंद कितना करना है और ये जब पब्लिक के सामने जब फिल्म जाएगी तो उसको कितना, उस किरदार को कितना प्यार करेगा। तो वो मुझे प्लेइंग दैट कैरेक्टर इटसेल्फ इज़ अ वेरी ग्रेट जर्नी, कि मैंने अभी भी कहा कि रंजीत साहब के सामने मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं इनका विलन हूँ, मैं जाकिर भाई का विलन हूँ, और उसमें मैं जो कर रहा हूँ एक ड्रग एडिक्ट, काफ़ी लोगों ने ड्रग एडिक्ट किया है, लेकिन मेरा उस कैरेक्टर के प्रति अप्रोच जो था वो काफ़ी, वो कनिंगनेस नहीं होना देना था मुझे, और लवेबल भी रखना था, और ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन मैं हंसा था, लेकिन लोगों के सामने ये दूसरी छवि लाने की मैंने कोशिश की है, और कहाँ तक सक्सेस होगा ये तो फिल्म देखने के बाद ही आपको मर्डर मुझे याद आती है जब मैं गाने देखता हूँ आपके घर की, आई डोंट थिंक सो, इसके लिए तो आपको आई थिंक डायरेक्टर हमने आपको फ्रेशनेस दिख नहीं रहा, बट वी वॉन्टेड सॉन्ग लाइक दैट ओनली, मर्डर का जो था, बट उसमें से हमने कोई भी एक भी शॉट मर्डर से हम इसे रिलेट नहीं कर सकते। हाँ, हमारा टोटल एक रूम में शूट हुआ है, अगर आपने देखा है, मर्डर वॉज टोटली डिफरेंट। गेम पैसा लड़की एक फ्रेश लुक है, मर्डर कितने साल पुरानी फिल्म है, आप उधर ना जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप हमारे जितने भी शॉट्स हैं कोई भी सिमिलर नहीं है, जस्ट ग्लैमर को छोड़ के। भाई जब ऐसी लड़की आपके पास हो एज ए राइटर, फिर आपको ये सब शूट करना बनता है, तो मुझे लगता था कि करना चाहिए तो क्या। भाई धन्यवाद आप लोगों का, और मैं चाहूँगा कि जितना हो सके प्रमोट करें, बहुत बड़ी फिल्म नहीं है, बहुत प्यार से बनाइए, दिल से बनाइए, आप लोगों का सपोर्ट मीडिया मतलब आज हाथ में पहुंच चुका है सबके, तो आप लोग जितना ज़्यादा हमें थोड़ा प्रमोट कर देंगे, हमारे बारे में लिखेंगे कहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि फिल्म पसंद करेंगे लोग, क्योंकि फिल्म दिल से बनी हो। मतलब मैंने सोचा इसलिए नहीं कि हिमांशु भाई है सोचने के लिए, और हम लोग अभी सुबह कॉमल नाटा के शो में जाके आए हैं, इसके अलावा कुछ चैनलों पे हम जाने वाले हैं, कुछ रेडियो पे जाने वाले हैं, बाकी आप लोगों के ऊपर है। और नसीम भाई, मैं चाहूँगा कि बस इस तहल का मचना चाहिए आपने। थैंक यू सो मच।